अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो 2 दिन से व्लॉग नहीं मैंने लगाया था, तो सब पूछ रहे थे आप ही कहाँ गायब है, कहाँ गायब है। तो 2-3-4 दिन से ना यूट्यूब की कोई अपडेट आई थी न्यू, जिससे ना काफी सारे यूट्यूबर का सारे पैसे उड़ गए थे। तो मेरे साथ भी यही सुना था, मेरे दोनों चैनल से जो ना वो 6-7 दिन की पेमेंट कट गई थी और वो $2 रह गई थी सिर्फ। तो मुझे इतना डिप्रेशन होना शुरू हो गया, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। फिर मैंने यूट्यूब को मेल किया, फिर मेरी यूट्यूब से बात हुई। अब एक चैनल की तो पेमेंट मेरी वापस आ गई है, दूसरे चैनल की पेमेंट अभी तक भी वापस नहीं आई है। इसके अलावा एक दो कॉमेंट्स ऐसे थे जिससे मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी यार। बेशक पता है क्या होता है, जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, आपको एक बात, और वो कमेंट थे मेरे घर से रिलेटेड। अब वो क्या कमेंट था, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आगे जाकर वो कमेंट आपको दिखाऊंगी। मैं उससे ना, मैं कसम से वो कमेंट पढ़ के ना 2 घंटे ऐसे छत को ही देखती थी। लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। चले आप लोग आगे ब्लॉग देखें, अभी मैंने जाना है बच्चों को स्कूल में, तब तक तैयार होती हूँ। जर्नी बनी हुई है, बच्चे चले गए स्कूल माशाल्लाह से, और अभी हो रहे हैं 8। सारे बर्तन शर्तन धो के, सिंक धो के, किचन का वाइपर लगा के, आउच फ्रिज कर भी किचन का वाइपर लगा के फिर सोई थी। अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता, वकास आते हैं तो पूछती हूँ कभी बना दूँ। और आज धूप बड़ी प्यारी निकली हुई है, बच्चे तो स्कूल चले गए। मैं कंघी करती हूँ बालों को, मैंने तेल लगाया हुआ था, बाल बनाती हूँ। उसके बाद सोया मैं, कमरे के झाड़ू मैंने लगा दिए, काफ़ी लगा दी, पर्दे बिठा दिए कि उठे ही नींद से, स्कूल ही नहीं जाते दोनों। ये तो चलो छोटा है बेचारा, 2 साल का है, पर ये 3.5 साल का, बल्कि 4 साल का हो जाएगा जनवरी में, इसको जाना चाहिए स्कूल। यहाँ की भी सफाई होगी, देखें सारे, ये देखें सारा साफ हो गया, टेबल तक किया। बाहर के राज वकास धो रहे हैं, दूध उबाल दिया है। वकास मुझे कह रहे हैं नया चूल्हा लगा लो, मैंने कहा नहीं लगाना, अभी मैंने नया चूल्हा, गंदा हो जाएगा सारा। अपने कमरे की भी झाड़ू लगा ली है, चादरें भी सीधी कर दी, रजाई भी सीधी कर दी है। अब ये धोने वाली उतारा है कवर, दूसरा चढ़ाया मैंने इसके ऊपर ग्रीन वाले कवर जो है ना, इस वाले सोफे का चेंज किया है मैंने कवर, गंदा हुआ था। मैंने कहा दरमियान वाले टेबल की शीट ला के दो, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने टेम्प्रेरी रखे हैं मैं सोफे यहाँ पे। 3 hours later तो भाई उस टाइम मुझे वकास से नाश्ता नहीं बनाने दिया था, वकास ने कहा था अभी नहीं बनाओ, थोड़ी देर से बना लेना, मैं जरा शीशे खोल दूँ ऐसे। तो अभी बनाने लगे नाश्ता ठीक है। मैंने ना तस्वीर भर में उसको सुबह चॉकोबलीस लगा के दिए ब्रेड पे, वो करते बस मामा ब्रेड पे चॉकोबलीस लगा दो, और तो मैंने वही दे दी उनको बना के। मैं ना सोच रही हूँ इनके लिए ना वो ना एक थर्मोल वाले ना वो मिलते हैं टिफ़न, जिसमें खाना गर्म रहता है। हालांकि इनके स्कूल में ऑप्शन है कि आया को देके खाना गर्म करवा सकते हैं, बट करवाते ही नहीं ये लोग। और सैंडविच वगैरह कोई चीज़ बना के दो तो बोलते हैं ठंडे हो गए थे, अब अंडे डाल के दो बोले, अब सर्दियाँ हैं तो वो कहते हैं ठंडे हो जाते हैं मामा, तो बस आप ब्रेड पे या तो बटर लगा दो या फिर ये लगा दो चॉकोबलीस। ये देखो जी देसी अंडे की सब्जी कितनी छोटी सी होती है ना विकी, वो भी येलो होती है, उसको फायदा भी हो रहा कुछ खाने का, कमजोरी है बीबी आपको। बच्चों ये मेरे मियाँ ने ना देसी अंडे मंगवाए हैं, अब रात को दूध में भी पी रहे हैं और वैसे सुबह भी खा रहे हैं, मुझे हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है। और फिर भी मेरा बंदा सेहतमंद ना हुआ ना विकी, फिर भी आप सेहतमंद ना हुए, कौन जिम्मेदार है, कहाँ जा कहाँ रहे। बच्चों मैं दुपट्टा ओढ़ के खाना बनाती हूँ, अच्छा फिर आप कमेंट करोगे आप भी दुपट्टा। मुझे कौन याद कर रहा है, मुझे मत याद कर। तो 3 पराठे बना रही हूँ, क्योंकि वकास जो है वो ब्रेड ले गए हैं, मुझे क्यों हिचकी आ रही है खाने के लिए। और एक और चीज़ है, किसी ने नोट नहीं किया ना, मुझसे पूछा कि आप ही आपका रोटी मेट किधर, जिस पे आप रोटियां बेलती थी, तो वो सामान में शिफ्टिंग के दौरान जो है, चलो आप लोग पूछना फिर बताऊंगी है ना, ऐसे मज़ा नहीं आता ना हर चीज़ खुद ही बता दूं। तो बस जो मैंने ना वकास को अंडा दे दिया था पहले बना के, क्योंकि घी बचा हुआ था तवे के ऊपर, तो मैंने आप खाएं ना तो मैं ब्रेड देती हूँ। हिचकी आ रही है, आप याद कर रहे हो। पापा क्या कह रहे हैं, लवली को बुलाओ। पापा सबसे लवली कौन है, मैंने कल चूल्हा साफ किया था और वकास सामने दूध उबाल दिया चूल्हे के ऊपर, बताओ मैं क्या करूँ, बताओ मैं रोज चूल्हे साफ करती रहूँ है विकी, फिर चूल्हा चेंज कर लूँ, फिर आप उस पर दूध गिराओगे, उसको कौन साफ करेगा। मैं आपके बगैर निवाला नहीं खाती, आप मेरे बगैर पूरा 2 अंडे खा जाते हो, ब्रेड भी खाते हो साथ ऑब्वियसली। ये देखें पहले उन्होंने 2 अंडे खाए, अब चूरी बना के खा रहा है मेरा काका, उसके बाद ब्रेड, उसके बाद, और हम सादा लोग पराठा चाय मटी पूरे खा लेते हैं। और बलाज उठ गया और उठ कर रोना शुरू हो गया। मैं सफाई करके ना थक के फिर मैं लेटी हूँ, तो मेरे पीछे दोनों बच्चे इस कमरे में आ गए। आओ ना बलाज, हम नाश्ता कर रहे हैं, देखो अब आज गाड़ी लेके आए, आ जाओ अब आज गाड़ी दिखाओ,
ये रही आपकी गाड़ी। ये मैं ना आज कपड़े निकाल रही थी ना, तो पुराने कपड़ों में से निकली है आपकी गाड़ी, जिसके डोर भी खुलते थे याद है, ये कपड़ों से निकली है। दिखाना आप आज इसको गाड़ी, ये कपड़ों से निकली है गाड़ी, इसके डोर भी खुलते हैं। हाँ जी, इसके डोर खुलते हैं। चलो और नाश्ता करते हैं। एक डोर टूटा हुआ है, एक डोर है ना भाज। ओ मेरी गाली टूट गई, मेरी बेबी की गाली, मैं चुद गई, माँ छुकरे जाए मेला छू ना पुते। चलो और चले यार, रोटी खाओ अब भाज। मैं सही करवाती हूँ सारी गाड़ियाँ। चलो आओ नाश्ता करते, मैंने चाय बनाई है, पराठा बनाया, जल्दी आओ। आज बिस्मिल्लाह, जल्दी आओ माँ छकरे। आज व्लॉग नहीं आया था, चाची आई हुई थी तो हम पूरा दिन बातों वगैरह में लग रहे हैं। चाची मुझे इतने ढेर सारे खाने बना के रही, मेरा फ्रिज फुल हो गया खाना से, एक वीक की टेंशन खत्म हो गई है मेरी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ खाने, लेकिन अभी मैं खाना खाने लगी थी आपको दिखाती। तो चाची मुझे मना कर रही थी, नहीं मंगवाओ। मैंने कहा चाची ज़बरदस्ती, मैंने चाची के लिए वो जो हमें प्लेटर अच्छा लगता है वो मैंने मंगवाया। मैंने कहा चेक तो करें, हमारा यहाँ का फेमस प्लेटर है ये। तो मैंने उस टाइम खाना नहीं खाया था, मैंने कहा चले अभी खाना खा लेते हैं, अभी 8 बज रहे हैं, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। सबने खाना खा लिया था, मैंने कहा अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी। जितना मैंने ना चाय बहुत लेट पी थी, अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। उसके बाद चाची खाने लाई थी, वो सारे खाने दिखाती हूँ भूखे भी। तो कल मैं बोल रही थी ना कि चाची मेरे लिए ढेर सारा खाना लेकर आई थी, देखिए चाची ढेर सारा खाना लेकर आई थी कि तुम्हारा किचन नहीं रेडी हुआ हुआ तो हम आएंगे, तुम खाने पकाने में पड़ जाओगी। तो चाची देखिए कबाब लेकर आई है, साग बना के लेकर आई है, और उसके अलावा चावल, फिश बनाई है बच्चों के लिए। अच्छा, लीमू नहीं फिश है, खोले ना चाची ने खुद फिश बनाई। चाची कहती है बच्चों को देना, ये देना, मेरा साग ना गिरा देना यार। ये देखें, ये फिश बना के लेकर आई चाची, ये पूरी साबुत फिश है और ये डिफरेंट स्टाइल से बनती है। चाची बड़े मजे की बनाती है। और फिर ये सवैया, ये दिखाया ढक्कन खोल के। रात को मेरा इतना हलीम खाने का दिल कर रहा था, इतना मुझे पता नहीं था चाची हलीम भी लेकर आई है। मैं ऐसे ही आई, उन्होंने कहा देखो चाची क्या क्या लेकर आई, तो उसमें हलीम, यार देखे अल्लाह ताला कैसे देता है। चाची सवैया बना के लेकर आई थी, साथ ये हलीम बना के लेकर आई है। मेरा तो 4-5 दिन आराम से गुजरेंगे, है ना। मैंने फिलहाल थोड़ा सा हलीम निकाल के खाया है, और उसके बाद राइस, दो राइस हैं ये। शक्ल दिखाए ना राइस इतनी अच्छी है, और ये ना है भी छोटे के, नजर आ रहा है बकरे का गोश्त डाला हुआ, इसमें भी फिश है, और ये भी फिश है, ये एक्स्ट्रा ग्रेवी है। नहीं फिश है ये, तो कहीं वाला फिश है। ओहो ढक्कन टूट गया मेरा, ये देखें मटन पुलाव, खुशबू आ रही है। हाँ, कहाँ से खुशी देखना खाने के नाम पर। समझ लो लाल हैं भाग रहे। हाँ यार, बहुत मजा आया कल चाची के साथ। चाची मुझे गिफ्ट अलीदा दे गई है, पैसे अलीदा दे गई है, खाना अलीदा लेकर आई है, 10K देगी माशाल्लाह से यार, बस प्यार है उनका। और चाची तनवीर किसी के लिए गिफ्ट नहीं लेते, मेरे लिए घर का गिफ्ट लेकर आया था। इवन अपने घर के लिए भी वो कोई चीज ऐसा नहीं लेते होंगे, जैसे मतलब मुझे बहुत, मेरे ताया अबू मुझे फोन करते हैं जब कांस के दाया अबू हैं, पर मैं मेरे ही बोलती हूँ उनको, मुझे फोन करते हैं जब, किसी को फोन नहीं करते, किसी को मुझे फोन करते हैं पूछने के लिए घर का काम वगैरह, मुझे बड़ी खुशी होती है। और एज यूजुअल चाचू तनवीर जब गिफ्ट लिया उन्होंने, लोहे कुरानी बहुत प्यारी, और उन्होंने मेरे लिए और चाची ने बताया चाचू लेकर आए, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा वाह चाचू ने लिए, चाची तो कभी कोई चीज़ नहीं लेती, चाची लेती है हमेशा, चाची का सबसे बेस्ट ही लोहे कुरानी है। और फिर चाची खान देखें एहसास की बात है ना, कि उनको पता है कि यार किसके घर है अभी, या मैं सुहा हुआ है, या मैं जाऊंगी तो लौटना पड़ जाए उसके ऊपर, तो मेरे लिए खाना बना के लेकर आई। अभी एक ने ढेर सारे खाने, चाची ने मुझे फोन भी करती नहीं है पीछे बहुत ज्यादा ना, कि मैं तुम्हें खाना भेज देती हूँ, मैं भेज देती हूँ। मैं उनको तंग नहीं करना चाहती थी, मैं कहती थी नहीं चाची आप नहीं भेज रहे, मैं मैनेज कर रही हूँ। तो अब वो आई है, तो फिर कसर निकाल कर आई है। वकास साग, जो जो चीज़ वकास शौक से खाते हैं ना, साग, हलीम, मटन पुलाव, हर चीज़ बना के लेकर आई। कबाब खाते हैं वकास चाची के हाथ के शौक के, जब हम चाची के घर जाते हैं वकास बोलते हैं चाची कबाब बना के दें, और फिश खाते हैं हम लोग, तो हर वो चीज़ बना के लेकर आई। थैंक यू सो मच चाची, अगर आप ब्लॉग देखें, आपकी जो जगह है वो कभी भी कोई नहीं ले सकता, इसलिए आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, कि आप बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, हम नहीं कर पाते जितना आप करती हैं हमारे साथ। तो हमारी क्यारी बन गई, हम क्यारी के लिए ग्रास लेने के लिए जा रहे हैं, और पौधे जो इसके अंदर लगाने हैं आपको दिखा। ये देखें जी हमारी क्यारी बन गई है, अब इसमें मटर डलेगी, ये लेवल होगा, इसके ऊपर पूरी ग्रास बिछेगी। मैंने विकास को बोला है मुझे यूं करके पौधे लगा दें, और एक यहाँ पे खजूर का दरख्त इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, इनको पसंद था घर के बाहर खजूर का दरख्त, तो वो एक बड़ा खजूर का दरख्त दरमियान में लगाएंगे ना, इस साइड लगा देना, समझ नहीं आ रहा किस साइड लगाएं, ये ऑडियंस बताएगी, मुझे बताया ना कि खजूर का दरख्त कौन सी साइड लगवाएं। ये कितने फीट लंबी है क्यारी, ये अभी अपना साइज नहीं लिया। हाँ तो मुझे हमें बताना कि हम खजूर का दरख्त किस तरफ लगाएं, इस तरफ के इस तरफ। चलो आओ चलें, इतनी प्यारी हवा चल रही है आज, और अभी बस ग्रास लेने के लिए जा रहे हैं। बिलाज हमारे साथ आया हुआ है गाड़ी लेके, देखना ना, पहले हम
में कहता है कि मैं छोटी गाड़ी में जाता हूँ, आप लोग बड़ी गाड़ी में चलो। क्या कह रहे थे बलाज, बताओ ना। देखा तुम लोग बड़ी गाड़ी में जाना और हम लोग छोटी गाड़ी पे आएंगे। और मैंने कहा जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं तो उनका क्या करोगे, वो कहता है ट्रक जो है ना वो आपकी गाड़ी, हमारी मैदान का एक्सीडेंट हुआ था ना ट्रक से, तो इसका बात याद है। जब भी ट्रक आता है कहते हैं मामा देखो ट्रक आ गया हमारी गाड़ी तोड़ने के लिए, तो कहता है ट्रक जो है ना आपकी गाड़ी तोड़ेगा मेरी नहीं तोड़ेगा। क्या कह रहे थे बताओ, बताओ ना, नहीं बताओगे। उसके बाद जी हम गए थे जीटी रोड पे, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने ये वाली ट्रे लेनी थी क्योंकि कैबिनेट बनने हैं, तो फिर कैबिनेट के हिसाब से चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी थी। और एक ये पेंट वाला लेना था मुझे, इसमें पेंट टांगते हैं ना ये स्पेस भी कम लेता है, और इसको बस टांग दो छोटा सा बॉक्स पर वाके इसमें आपकी ढेर सारी पेंट आ जाती है, तो ये दोनों चीज़ें लेनी थी। उसके अलावा लॉन के लिए ना मुझे ये चाहिए था जिसमें ना वाटरफॉल होता है ऑटोमेटिकली, नीचे से ऊपर जाता है पानी, ऊपर से नीचे आता है, उसमें से पानी का साउंड आता है बहुत ही प्यारा। अभी जैसे ये चलता है ना तो मैं इसका साउंड आपको सुनाती हूँ। इसमें दो आते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक इससे भी बड़ा आता है। जो इससे ज़्यादा बड़ा है ना वो मुझे इतना समझ में नहीं आया था, ये जो दरमियान वाला है मुझे ये समझ में आया था, छोटा जो है ना वो ड्राइंग रूम वगैरह में रखने के लिए, तो ड्राइंग रूम में तो मुझे रखना नहीं, मुझे लॉन में ही रखना है, मुझे अपना लॉन सेट करना है प्यारा सा, उसमें पौधे लगाने हैं, बच्चों के झूले लगाने हैं। तो अभी देखना ये पानी डालेंगे, उसके बाद इसका साउंड आएगा इतना प्यारा, वो आप सुनना, बहुत ही प्यारा साउंड आता है इसका। अच्छा मुझे इस्त्री वाला निकाल दो, ये मैंने सऊदीया में देखा था तो मुझे वहाँ बहुत पसंद आया था कि जब आपने इस्त्री करनी है तो ऐसे इसको निकाल लो आप इस्त्री स्टैंड को, और इस्त्री करके आप इसको वापस अलमारी के अंदर रख दो ऐसे ही, इससे आपकी जगह भी ज़ाया नहीं होती ऐसे। इसकी प्राइस है 33,200, इसमें छोटा भी है वो भी दिखा देती हूँ। शूज़ के लिए बलाज, शू वाला तो नहीं लगवाना, शीशे का लगवाना है वो तो, है ना, शू वाला शीशे का लगवाना है, एक छोटा ये है। इसकी प्राइस है 16,600। उसके बाद जो है ना चाची ने पैसे दिए थे कि इन पैसों से ना अपने घर के लिए कोई चीज़ ले लेना, और मैंने कहा था चीज़ ऐसी लूँगी जो सारी ज़िंदगी याद रहे मुझे, तो फिर हम झूमर वगैरह लेने थे, हमने तो वो लेने के लिए गए थे हम। चाची जो है वो यखनी वाला पुलाव लेकर आई थी बना के, कबाब लेकर आई थी, तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, यखनी वाला पुलाव और कबाब और बहुत ही लजीज खाना, मज़े का है खाना। ओके खाओ फिर। आह क्या शीर खुरमा बनाया चाची ने, उफ मज़ा आ गया खा के, ठंडा यख हो गया, आह लजीज। क्या खा रहे हो? चाची गिफ्ट लेकर आई थी तो वो टांगने लगे एन डबल डोर के आगे चाची का गिफ्ट। कोई अपडेट आई थी यूट्यूब की तो वगैरह, हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं बहुत अपसेट भी हो गई थी, मैं रोने वाली हो गई थी, लिटरली मेरा बीपी इतना लो हो गया था, मैं ठंडी या खोकर बिस्तर में लेट गई थी, मैं ईशा की नमाज पढ़नी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से जाके 1:30 बजे उठ के ईशा की नमाज पढ़ी, मेरा दिल ऐसा हो गया, फिर मैंने कहा नमाज तो पढ़नी है नताशा, उठ के नमाज पढ़ो, फिर मैंने नमाज पढ़ी है, फिर मैं सो गई हूँ। मैंने ना ब्लॉग वाले चैनल से मेल नहीं किया था, लेकिन अब उससे भी उनसे बात करूँगी ताकि उसकी भी जो पेमेंट कट गई है वापस आए, क्योंकि पता है क्या मतलब मेरा ये होता है ना कि मैं, मुझे पता होता है यार मेरे इस मंथ की पेमेंट है, इससे मैंने ये काम करवाना है, इससे मैंने वो काम करवाना, फिर आप सोच रहे हैं अगर आपकी 6-7 दिन की पेमेंट कट के जीरो हो जाए फिर आप क्या करवाओगे, उसे कुछ भी नहीं करवा सकते हो आप। आज जो है अभी ये वाला झूमर लगाने लगे थे, चाची नसीम ने पैसे दिए थे कि तुम अपनी मर्जी से कोई चीज़ ले लेना, तो मैंने एक एयर फ्रायर लेना था और एक ये झूमर सोचा हुआ था मैंने लेना है क्योंकि हमारे बराबर में घर बन रहा है, तो माशाल्लाह उन्होंने लगाया था झूमर ना ऐसा ही एग्जैक्टली सेम, वकास को नहीं पसंद है ऐसे झूमर, वकास को दूसरे पसंद है, मैंने कहा वो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ जहाँ आपका दिल करे लगा लेना, मुझे ये वाला लगाने दो, तो मैंने उस हिसाब से लिया। और ये इसी की मैचिंग का साथ में ना डबल वाला वो है ग्लोब बोलते हैं इसको, वो है वो लिया था मैंने, और ये बहुत रीजनेबल आया था और बहुत ही प्यारा। दूसरी बात है कि चाची के पैसे थे, मैं खर्च करना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा था कोई चीज़ लूँगी जो हमेशा यादगार रहे, तो उस हिसाब से ही हो गया। उसके बाद ये जो गेट के दोनों साइड्स पे लगते हैं ना, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, बस ये हमारा गेट है काले कलर का, तो इसके साइड पर रख लें काले कलर के, ये ऐसे घर सा बना हुआ है, इसके अंदर बल्ब होता है LED, और ये साइड पर लगता है, ये वो लिए हैं दोनों, और मैंने रख के देखे अभी बहुत प्यारे लग रहे हैं, अभी कोई बंदा आएगा सरिया काट के देगा तो सुबह ही इंस्टॉल हो जाएंगे। बाकी क्यारी हमारी रेडी हो गई है, पर अभी रात इतनी हो गई है, देखे मैं बाहर जाऊँगी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं सुबह दिखाती हूँ आपको, अभी वो उसको छोड़ दें। इसके अंदर हमने एक झूमर लिया था गैराज के लिए, पर ना वो जिन्होंने सीलिंग की है ना उनको पता नहीं था कि मैंने गैराज में झूमर लगाना है, बेसिकली लोग पंखा लगाते हैं, पंखा यूज़र ऐसे किसी काम नहीं आता, तो मैंने पंखे का नहीं छोड़वाया था पॉइंट, मैंने बोला था मुझे झूमर का पॉइंट छोड़ देना, उन्होंने छोड़ा नहीं, तो ये हमारा ऐसे ही रखा हुआ है अभी, तब सोचेंगे इसको हमने कहाँ लगाना, शायद हम इसको छत पर लगा लें जो हमारी डबल हाइटेड बालकनी है वहाँ पर। ये भी बहुत कॉस्टली नहीं है, 10,000 की रेंज में ही है ये,
इसके अंदर क्योंकि कबर्ड्स बननी है ना, किचन और वॉशरूम की जो कबर्ड्स हैं वो साथ ही बननी है, तो इसके अंदर मैं वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। पेंट जिसमें ट्राउजर नहीं लटकाते इसमें वो है, इसको खींचते हैं, इसके दोनों साइड पर से रीलिंग सी बनी हुई है और ये 8,000 का इसमें ट्राउजर टांगने के लिए, पेंट्स टांगने के लिए है, तो ये मैंने वो रखा है। मैं अपनी ना वार्डरोब का डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। हैंगर टांगने वाला मैंने नहीं लिया, इस्त्री स्टैंड वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि स्टीमर मेरे पास है। बाकी मैंने LG की एक मशीन देखी थी इस्त्री के लिए, उसको आप खोलो उसके अंदर कपड़े टांगो हैंगर समेत, और बाद में जब उसको निकालते हो सारे प्रेस हुए होते हैं, तो मैंने सोचा बाद में मैं वो लेके ऊपर के, क्योंकि क्लोजेट जो है वो बहुत बड़े बड़े तो उनमें लगवा लूंगी। ड्राइंग रूम के अंदर इन्होंने जगह ही नहीं छोड़ी है, ड्राइंग रूम में बड़ा झूमर लगाना था, नहीं छोड़ी जगह, अब इसमें पंखे की जगह छोड़ी हुई है, उसका रॉड भी है। मेरा दिल कर रहा है कि पंखे वाली जगह पे बड़ा सारा झूमर ला के लगा देती हूँ, पंखे वैसे भी AC लगवाने और वहाँ पे जो दो लगने थे उसके पॉइंट छोड़े हैं, तो अब देखो क्या करते हैं वकास। और ये जो पर्दे हैं ना, ये जो सीलिंग वाले पर्दे होते हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक, वो वाले पर्दे लगने हैं, ये अभी तो टेम्प्रेरी हमने यही लगाया है। तो भाई तो फाइनली वकास ने ये इंस्टॉल कर लिया खुद ही मेहनत से। ये जल गई है जी हमारी वार्म लाइट, अच्छा ये कूल है, और सेकंड टाइम पे बस ये वाइट है, ये वार्म है, तीन लाइट्स हैं इसके अंदर, वार्म कूल और न्यूट्रल, लवली, बहुत प्यारा लग रहा है। ओह लुक चेंज हो गया एकदम से, टीवी हॉल दिन में ऐसा लग रहा है, देखें पता है कैसा लग रहा है, लगाओ देखें, अभी वाइट लाइट जल रही है, झूमर की तो फेस ऐसा लग रहा है, ये येलो लाइट जल रही है यानी कि ये वार्म तो ऐसा लग रहा है, और ये न्यूट्रल है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये भाई वकास ना दूध के अंदर देसी अंडा मिक्स करवा रहे हैं मेरे से कि इसको अच्छे से मिक्स करके दो, मुझे पता नहीं कि ये ऐसे ही करते हैं कि कैसे करते हैं, इन्होंने बोला था बस गरम गरम दूध उबलता हुआ उसमें 2 चम्मच चीनी डालो और देसी अंडे की जर्दी, सिर्फ सफेदी नहीं मिक्सर नहीं सिर्फ जर्दी, तो ये मिक्स नहीं होती, मैंने इसको तोड़ा है फिर मैंने इसको मिक्स किया है। ये ना बहुत अच्छा होता है सर्दियों में ना, आपके जिस्म की हड्डियों को जोड़ता है, जिस्म ताकत होती है, और पता नहीं किस पर्पज़ के लिए पीते हैं, वकास के साथ अच्छे से डिफाइन कर सकता है, जिन्हें वकास के अबू भी पीते हैं ये, और जब किसी को ना सर्दी में बुखार हो जाता था ना, कमजोरी होती थी, तो उसको भी देसी अंडा दूध में घोल के पिलाते थे, और उसके वजह से बहुत बेनिफिट है। अंग्रेज बहुत पीते हैं, बहुत ज्यादा, अंग्रेजों को देखो ना वो इस तरह के डिशेस का बहुत ख्याल रखते हैं कि फायदा। स्कूल के बाहर इतनी गाड़ियां क्यों होती हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, हैं किधर आए हो बलाज, तस्वीर को लेने आए हो, मैं बलाज को लेकर आपकी क्लास विजिट करवाती हूँ, है ना बलाज, ठीक है। अब आज ने क्लास विजिट करनी है, ठीक है, तस्वीर अनुष को लेंगे स्कूल से, आपको क्लासेस विजिट करवाती हूँ आपके, जाओ खेल लो, तब तक मैं स्कूल के अंदर सो के आती हूँ, जाओ खेलो, मैं मिलती हूँ, मुझे बुलाया आपकी मैम ने, मैं जा रही हूँ, आ जाओ आप बहन भाइयों के पास आओ। वो देखो बुला चबाज इनको झूला से मतलब है, पढ़ाई से कोई मतलब अंदर चलो इधर आओ, हाँ झूले लेते हैं, चलो अंदर आओ, असेसमेंट दो पहले, चलो दिल नहीं कर रहा, स्कूल पढ़ने के लिए आती हो, झूले झूलने आती हो, मत जाओ हम जा रहे हैं, एक तरह इतनी अनाउंसमेंट होती है सर दर्द होने लग जाता है मेरा। बच्चे इसमें से निकल निकल के आ रहे हैं, आओ हम इनको स्कूल से ले आए, और इतना औखा लेकर आए ना इनको, तो वो बराज और भाष तो आ ही नहीं रहे थे, तस्वीर अर्मिश भी इंतजार में थी कि भाई कि हम झूले झूल लें बस, तो अभी मैंने यहाँ पे इसकी कुरान वाली टीचर उससे मिलती हूँ। खाया क्या था आज, ओ खाया तो नहीं, मुझे लंच ही नहीं खाया, क्यों नहीं खाया लंच, अब फ्रेश भी नहीं रहा होगा, तो अर्मिश आपने लंच किया था पूरा, और कैंटीन से भूख लगी थी मैं, अर्मिश धूप से रेड हो गई, अच्छा और आपने क्या किया इसके अलावा, मैंने बिस्किट कैंटीन से लाया था, तो सिर्फ को भी खिला देती ना बिस्किट वगैरह, वो पैसा लेके नहीं गई थी आज, कितनी बुरी बहन हो आप। चलो तो सिर्फ हम ब्लॉग एंड करते हैं, तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, वो देखो आज कितना गंदा लग रहा है, मेरा सूट बना है, आई एम नेवर सेइंग इट्स देयर ट्विंस, या यू सी या माशाल्लाह, एंड अनदर डांस ट्विंस आर ब्रदर, बट दे लुक लाइक अलाइक ना, या एवरीवन इज सेइंग ओह क्यूट क्यूट, थैंक यू, बट यू मस्ट से माशाल्लाह।
सीन ये हुआ है कि उन्होंने बलाज को बुलाया, बलाज से कलर वगैरह पूछे, इसकी एज पूछी और अब भाज की एज पूछी है। तो मैंने पूछा था कि आप भाज का भी एडमिशन करवा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि जनवरी में आप करवा सकते हैं इसका, क्योंकि अभी हमारे तो पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और सारे वो कलर्स वगैरह हमने बच्चों को अभी तो है ना, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम बच्चों की, बस क्या करते सिर्फ क्या बोल रहे थे वो लोग स्टार्टिंग में, मतलब चीजों की पहचान करवाना, किस चीज को कैसे बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करवाते हैं। तो अभी बलाज को तो बहुत जरूरत है कम्युनिकेशन की। जी वो बोल रहे हैं कि वो पूरा सेशन निकल गया है बच्चे का, तो अब जनवरी से इनको लेकर आए हैं, जनवरी में न्यू सेशन स्टार्ट होगा हमारा, नए बच्चे आते हैं सिक्स, क्योंकि ना तस्वीर अर्मिश का भी सिक्स मंथ का एक सेमेस्टर था कि प्री नर्सरी सिक्स मंथ की, फिर जूनियर में ऐसे आता है वो, तो ये इनका सिक्स मंथ का एक पूरा हो चुका है, अब नया स्टार्ट होगा जनवरी में, तो ये दोनों जनवरी से जाएंगे। अब मैं तो कह रही थी चले जाए, मेरी जान छूटे सारे सेम इनके, आपके सेक्शन बने हुए ना ए बी सी डी, तो जो सिक्स मंथ बाद शुरू होगी तो उनका बी या सी ऐसा कुछ होता होगा ना सेक्शन, आई थिंक सो। मैं आपको गाड़ी लेके दूंगी, आने को बोलो आपको गाड़ी भेजे, बोलो आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार। पूछ रहे व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, स्कूल पढ़ने नहीं जाना, झूले झूलने जाना है बस, है ना, सिर्फ झूले झूलने स्कूल जाते हो ना। खैर मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मैं अपने बच्चे राजी करती हूँ, अंदर जाके वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना, ढेर सारे लाइक ढेर सारा करना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।